जी शिवाय नमस्ते मैम। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे गंगा दशहरा कब है, क्या पूजा विधि है, क्या करना चाहिए गंगा दशहरा के दिन, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एक चीज़ गंगा जी में चढ़ाने से भाग्य संवर सकता है आपका, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। लास्ट तक बने रहना, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों गंगा दशहरा के दिन मोक्षदायिनी गंगा मैया के मंदिरों सहित अन्य स्थानों पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन गंगा माँ अवतरित हुई थी, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन गंगा पूजन और नदी स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है। इसी दिन स्वर्ग से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए गंगा दशहरा एक महान पुण्यकारी पर्व माना गया है। कैसे करनी है पूजा जान लेते हैं। दोस्तों गंगा दशहरा के दिन प्रातः सूरज उगने से पहले गंगा स्नान करने का खास महत्व होता है। इस दिन कलश में गंगा जल, पान के पत्ते, आम पत्र जो होते हैं, केसर, अक्षत, कुमकुम, दुर्वा, कुश और सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का उपयोग करके पूजन किया जाता है। यह कलश शांति का संदेश वाहक माना गया है। आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं या फिर आप नॉर्मल स्टील का कलश लेकर स्थापित करें, उसके बाद गंगा दशहरा की पूजा करें। कलश को सुख और समृद्धि का और वैभव का वो कारक माना गया है, इसलिए कलश की स्थापना करके पूजन जरूर करें। इसे विश्व ब्रह्मांड विराट ब्रह्मा भूपिंड यानी ग्लोब का प्रतीक माना गया है। इसमें संपूर्ण देवता समाये हुए होते हैं। पूजन के दौरान कलश को देवी देवताओं की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया गया है। आपको पता ही होगा हर पूजा पाठ में कलश स्थापित करा जाता है, तो कलश के अंदर सभी देवी देवता निवास करते हैं, तो कलश की ही आप इस दिन पूजा करें। गंगा जल भर लें उस कलश के अंदर और उस दिन कलश की स्थापना करके आप सभी चीज़ें माँ गंगा को कलश की मतलब कलश द्वारा पूजा करके माँ गंगा की आराधना करें। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पवित्र धारा में स्नान करके पूजन करें। घर में आप कलश स्थापित करके कर सकते हैं। यदि आप गंगा जी गए हैं तो साक्षात गंगा मैया का पूजन करें, दूध ले जाएं, दूध चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, सभी चीज़ें चढ़ाएं और रात के समय भी दीपदान करें। कहते हैं रात के समय दीपदान जो करता है बहुत ही ज़्यादा पुण्य का भागी बनता है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पवित्र धारा में स्नान करके आप अपने सभी जो पाप होते हैं सभी धो सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। अपने घर में लाके इस दिन ज़रूर छिड़काव करें। अगर आपके यहाँ पहले से ही रखा है तो गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। इस दिन जल का घट दान करके फिर जल पीकर अपना व्रत पूर्ण करें। इस दिन दान में केला दे सकते हैं आप, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल भरी सुराई दे सकते हैं, हाथ का पंखा आदि चीज़ें दान जरूर करें। गंगा दशहरा के दिन जो होते हैं निरोगी काया के लिए आप एक उपाय जरूर करिएगा। कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि के लिए, धन लाभ के लिए आप क्या कर सकते हैं। इस दिन अगर आप गंगा जी जा रहे हैं या तो एक चांदी का सिक्का या कोई चांदी की एक छोटी सी, चाहे कुछ भी छोटा सा तिनका हो चांदी का, वो जरूर डालें गंगा जी पे अपनी मनोकामना कहते हुए। कहते हैं बहुत ही जल्दी पूरी होती है। आप अंगूठी का छल्ला भी डाल सकते हैं या कोई चांदी का कोई भी घुंघरू भी डाल सकते हैं। इस दिन मतलब चांदी चढ़ाना बहुत ही बेहद शुभ माना जाता है। अगर चांदी नहीं है, किसी अभाव में चांदी नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो इसके अलावा आप जौ जो होते हैं गेहूँ और एक होता है जौ जो हम नवरात्रों में बोते हैं, तो इस तरह से थोड़े से जौ हाथ में लेकर गंगा मैया में अर्पित करें अपनी मनोकामना कहते हैं। कहते हैं बहुत ही जल्दी वो मनोकामना पूरी होती है। करके देखिएगा, गंगा दशहरा में डुबकी लगाने से सभी पापों का नाश होता है। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही गंगा स्नान कर सकते हैं। इस दिन गंगा चालीसा, गंगा स्त्रोत आदि का पाठ जरूर कर लें, इससे बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर महादेव, ऐसे बोलते हुए गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा इस दिन गंगा जी में जैसे अस्थियां डालने से बचना चाहिए, पुराने वस्त्र नहीं डालने चाहिए, शैम्पू से स्नान नहीं करना चाहिए गंगा मैया में, हवन पूजा की सामग्री आपको नहीं डालनी है गंगा मैया में। और बहुत ही ज़्यादा पवित्र दिन माना गया है गंगा दशहरा का। इस दिन आपको विशेषकर अच्छी से पूजा करनी है, अशुभ चीज़ों गंगा जी में आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है, नहीं तो आप पाप के भागी बन सकते हैं। इस दिन गंगा का जल जरूर घर पर लेके आएं, पूरे घर में छिड़काव करें। कहते हैं ऐसा करने से सुख समृद्धि बरकत रहती है। दीपदान आप घर में कैसे कर सकते हैं उसकी जभी की जभी मैं वीडियो लाऊंगी, जरूर देखिएगा।
किस तरह से आपको दीपदान घर में करना है। अब जान लेते हैं कि गंगा दशहरा कब है। सबसे पहले जान लेते हैं 24 और 25 दोनों का ही बताऊंगी। सबसे पहले बता देती हूँ 2024 में गंगा दशहरा कब है। 2024 में गंगा दशहरा रविवार 16 जून को मनाया जाएगा। वहीं 2025 में गुरुवार 5 जून को मनाया जाएगा और 2026 में बुधवार 24 जून को मनाया जाएगा। बस इतना ही। वीडियो पर लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आगे वीडियो मिलती रहे।